आज ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली जेली चोकोबार आइसक्रीम बनाते हैं, क्योंकि इसके काफी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी, बट मुझे जो जेली टॉफी है ना वो नहीं मिल रही थी। आज भी जब मैं लेने गई तो सिर्फ 3 मिली, तो मैंने कहा चलो आज 3 से ही काम चला ही लेते हैं। तो मैंने मिक्सर जार में ना ये कैंडीज ऐड कर दी, उसके बाद मेरे पास ये कम थी तो मैंने थोड़ी सी गमी भी ले ली है और ये भी ऐड कर दी। फिर अमूल फ्रेश क्रीम ऐड की, थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख कर लीजिएगा, इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाली हो बस, सभी चीजों को पीस लीजिए। फिर ना इसका बड़ा ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया। और फिर मैंने ली कप ग्लासेस और इसमें ऐड की थोड़ी सी मेल्टी हुई डार्क चॉकलेट, इसे अच्छे से कोट कर दिया। उसके बाद 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। फिर इसमें एल्युमिनियम फॉयल लगाई आइसक्रीम स्टिक और इसे ओवरनाइट जमने के लिए रख दिया। और यहाँ पर हमारी आइसक्रीम बड़ी मस्त से जम गई थी, फटाफट से इसे इस तरीके से डीमोल्ड कर लीजिए। वैसे कमेंट में बताना आपको सबसे ज्यादा कौन सी आइसक्रीम पसंद है, ये टेस्ट में अच्छी थी। अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो ट्राई कर सकते हो, मुझे तो नहीं पसंद, मेरे भाई ने सिखाया था। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है इन सभी को। अगर आपको भी मेरे वीडियो में शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। बाय।